के बीच में कुछ चल रहा है। Come on, माँ, भाई ने तो हमदर्दी में कह दिया कि वो आ जाए। ये हमदर्दी नहीं, कुछ और ही है। Whatever, माँ, वैसे भी अब उम्मीद नहीं आएगी, मुझे पता है। वो आएगी, उसे आना ही होगा। तुम्हारे साथ कौन है? उम्मीद है फरजाद। मैं उम्मीद पाशा बात कर रही हूँ। और ये जो तुम्हारा वफादार चेला है ना, ये आज रंगे हाथों पकड़ा गया और इसने सारे जुर्म कबूल कर लिए कि तुम्हारे कहने पर मुझे तंग करता था, फॉलो करता था और मैसेजेस करता था। मैं सिर्फ इस लड़की को प्रपोज करना चाहता था, लेकिन ये लड़की बिल्कुल पागल है यार। झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? झूठ? मैं सच कह रहा हूँ। मैं कब से तुम्हें यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उम्मीद, लेकिन तुम किसी की सुनते ही कहा। असदुल्ला, तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे? आप किसी को बोलने का मौका दें तब ना। इतनी बदतमीज किस्म का इंसान है, या अल्लाह इतनी बेइज्जती, अब तो उठा ही ले। अगर तुम चली गई तो फिर तुम्हारे करोड़ों का क्या होगा? ऐसे करोड़ों का क्या करना है, ना घर में इज्जत है ना बाहर इज्जत है। जिसका दिल जाता है मुझे बेइज्जत कर देता है। ओहो, तुम फरजाद को दिल पर क्यों ले रही हो उम्मीद? कौन फरजाद? नाम मत देना उसका मेरे सामने। जितना बदतमीज मैं उसे समझती थी ना, वो उससे कहीं ज्यादा है। हो जाती है यार इंसान से गलतफहमी, लेकिन नहीं भाई, उसे सारी बुराई ना मुझ में ही नजर आती है। तुमने बिना वजह उस पर शक किया था, खुद बेचैन हो रही हो। बेचैन तो बेटा वो रहेगा इंशाल्लाह ताला, करार नहीं मिलेगा उसे। उम्मीद, इस तरह किसी को मुंह भर के बदुआ नहीं देते। जो उसने मेरे साथ किया है उसके बाद क्या उसे दुआएं दूं? अच्छा चलो छोड़ो, जिसकी खुशबू से महकती है हवाएं, क्यों ना आज हम तुमको वो चाय पिलाए। तुम्हें पता है चाय के सामने ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर सकते। मैं तो कह रही था, बल्कि साफ कहा था कि जिसके खातिर मैं चाय पीती थी वो ही नहीं है, तो मैं चाय कैसे पीती? इसे कमाल किया था तुमने। हाँ, लेकिन कोई फायदा तो हुआ नहीं, उल्टा पाशा साहब की नजरें बुरी बन गई। हया, I'm sorry, मेरी वजह से तुम्हें बलीद से। बस मेरी किस्मत। अब जो ऑफर मारी है कर भी दो ना पूरी। अच्छा जी मैडम साहब, बनाती हूँ आपके लिए चाय और कुछ। वैसे लड़का इतना भी बुरा नहीं है, बैठे बैठा अच्छा लड़का मिल गया तुम्हें। तो बेटा बताऊंगी मैं। वाह है, क्या बात है तुम्हारी। उम्मीद, उम्मीद, उम्मीद। सुनो मेरा बच्चा, बेटा। चाची, 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 प्लीज रहम करें मुझ पे। मेरा कल का दिन पहले ही बहुत बुरा गुजरा है। मुझे हया ने बताया था कल। अगर आप मुझे इस बात पर डांटने वाली है ना कि मैं हया को कल क्यों लेके गई थी, तो मैं खुद पछता रही हूँ कि मैं क्यों गई। नहीं नहीं बेटे, मैं तुम्हें क्यों डांटूंगी चला? पक्का किसी भी बात पे नहीं डांटेंगी? हाँ हाँ, नहीं डांटूंगी। इसको तो पीछे करे ना। कभी भी नहीं डांटूंगी, पक्का। और वो जो हया को चोट लगी थी वो? अरे मामूली सी चोट थी, बेहतर हो गई। और उसकी मंगनी पे? तो उसकी किस्मत में लिखा था। सच्ची आप वाकई इतनी अच्छी हो गई है, मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ? पावली, तुम्हारी गाड़ी आ गई है। क्या? मेरी गाड़ी आ गई? अब सच कह रही है ना? अरे अरे कितनी गई? अरे रुको, मेरी गाड़ी। हया, अरे ठहरो। ओह माय गॉड, कितनी खूबसूरत गाड़ी। हाँ, गाड़ी गाड़ी तो बहुत अच्छी है। उम्मीद, ये सच में तुम्हारी गाड़ी है? जी आगु जान। बहुत मुबारक हो गुड़िया। चलो इस बात का मूड तो अच्छा हुआ। शुक्र तुम्हारी गाड़ी आ गई है, अब पिक और ड्रॉप देने से मेरी जान छुट गई है। तुम्हारे लिए भी बुक करवा दूं? अपने चाचा के लिए भी बुक करवा दो। अरे इसकी क्या जरूरत है भाई, क्या हो गया? अरे कमाल पाशा को तो फोन करके बताओ। आकू जान, तुमको
तुम्हें नहीं बताना है। अच्छा, यानी पहले तुम्हें छुपाते फिरते थे, अब गाड़ी को भी छुपाना पड़ेगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, कितना मुश्किल होगा। इसके ऊपर कपड़ा डाल देते हैं। अरे छोड़ो ना कपड़े छपड़े को, चलो गाड़ी में चलते, मैं तुम लोगों को घुमा के लेकर आती हूं। कहाँ प्रैक्टिस है उम्मीद? अरे प्रैक्टिस नहीं है, ड्राइविंग तो आती है ना मुझे, आ जाओ। नहीं नहीं भाई, तुम लोग जाओ, मैं और मेरी माँ कहीं नहीं जा रहे, हमें बड़ी जान अजीज है भाई, तुम लोग जाओ। अरे चाचू आ जाओ ना। नहीं नहीं जाओ जाओ तुम लोग, डरपोक कहीं के बताओ कहाँ जा रहे हो तुम लोगों को, कहीं भी ले जाओ। इन कपड़ों में जाऊंगी, लोग क्या कहेंगे, इतनी अमीर लड़की इतने बुरे कपड़ों में बाहर आई है। मुझे बस 5 मिनट दे, मैं चेंज करके आती हूँ, तब तक आप लोग ये एसी ऑन करके बैठे, और कोई और बटन नहीं दबाना है, जल्दी आना, मैं बस यूं गई हूँ। अच्छा फुल ठंडी, हाँ दबा दो। हेलो, आपको कोई आइडिया भी है कि मैं कितनी फिक्रमंद थी? अगर आप अभी फोन रिसीव नहीं करते ना, मैं पुलिस में कॉल कर देती। अरे यार एक दिन तुम मुझे मरवा दोगी। तो आप नहीं किया करें ना मुझे इग्नोर। अच्छा बताएं कब आ रहे? जिस दिन घर पे अच्छा खाना बना होगा, समझो उसी दिन मैं आ जाऊंगा। कम ऑन, मजाक नहीं करें। तुम्हारा जल्लाद भाई तो ऑफिस में होगा ना? जी। तो बस फिर मैं उधर ही जा रहा हूँ, खाना भी मैं वहीं खा लूंगा। इसका मतलब ये है कि फिर मुलाकात हो। बाय। अरे हाँ हाँ मैं पहुंच गया हूँ एटीएम, बस एटीएम से ही ट्रांसफर करता हूँ तुम्हें पैसे। ओके आहिस्ता आहिस्ता है भतीजी, आहिस्ता। उम्मीद देख के चलाओ। आराम से उम्मीद। क्या कर रही हो उम्मीद? ध्यान से स्टीयरिंग पे हाथ रखो। हाँ स्टीयरिंग सीधा है, मुझे पता है, आती है गाड़ी चलाना। भतीजी काम करो ना, तुम मुझे साइड पे उतार दो, मैं पैदल घर चली जाऊंगी। किसी ट्रक में ना मार देना बस। चाची ट्रक कहाँ से आ गया सामने? पता नहीं। अच्छी अच्छी बातें करें, कुछ नहीं होगा। क्या कर रही हो? मेरा हार्ट फेल हो जाएगा, तुम साइड पे गाड़ी लगा लो। अरे चाची बस आने वाला है, समीर जल्दी से एटीएम का रास्ता बताओ। सीधा ये सही जा रही हो? आज मेरी तरफ से तुम सब लोगों को एक महंगी ट्रीट, बताओ कौन सी आइसक्रीम खाओगे? कोई भी अच्छी वाली। हटो, ये लोग हटते, किसी को पता नहीं है ना तुम आ रही हो। आराम से उम्मीद, आराम से। अरे कहाँ है एटीएम? नहीं सीधा ही जाना है। वहीं चले। अरे गाड़ी से ज्यादा मेरी जान कीमती है, और यहाँ तो जान करोड़ों की है। अरे जल्दी करो, खड़ी जाओ। चलो मैंने करवा दी है ट्रांसफर, जरा चेक करके ना मुझे बता देना। ओके ओके अल्लाह हाफिज। भाई साहब। जी जी भाई साहब, आपने देखा ये गाड़ी किसने मारी है? जी जी, वो एक अनाड़ी लड़की थी और कुछ फैमिली के लोग भी थे उसके साथ।
बड़े ही घटिया लोग थे भाई। गाड़ी ठोकी और 2 मिनट रुके, फिर ये जा वो जा। अच्छा खैर, मुझे ये बताएं कि आपने कुछ नंबरों पर नोट किया कि नहीं? जी जी पक्का याद है। क्या क्या? 1:44 नहीं 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 1:45। अबे पहले याद कर ले यार, क्या है नंबर बताओ ना। बस कुछ ऐसा ही था जी। अच्छा खैर ठीक है, बड़ी मेहरबानी। असदी क्या बचपन है। I don't expect this from you. You need to act mature. I'm sorry यार, मुझे पता है तुम्हें मुझ पे बहुत गुस्सा है, लेकिन मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि उसे तुम्हें लेकर इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हो गई। मैं खुद इतना सरप्राइज हूं। देखो असद, तुम्हारे साथ फैमिली टर्म्स हैं और तुम मेरे अच्छे दोस्त भी हो ना, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम किसी ऐसी वैसी लड़की के चक्कर में नुकसान उठा बैठो। लेकिन वो ऐसी वैसी लड़की तो है ही नहीं, तुम तो अच्छी तरह जानते हो उसे। एग्जैक्टली जानता हूँ, इसीलिए समझा रहा हूँ। उस लड़की का ऊपर वाला खाना ना बिल्कुल खाली है और ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं। अच्छा क्या मतलब? अरे मतलब ये है कि वो लड़की थोड़ी अनस्टेबल है, थोड़ी हिली हुई है, समझ रहे हो ना। क्या सीरियसली? ऑफ कोर्स सीरियसली, वरना एक बार तुम्हारी जान को आ गया तो तुम्हें भी बर्बाद करके छोड़ेगी। क्या हो गया मुझसे? मैं तो उसे ज्यादा इंटेलिजेंट और समझदार समझता था, इसलिए मैंने उसे प्रपोज कर दी। अच्छा परेशान मत हो, माँ से बात करते हैं तुम्हारे रिश्ते की। तुम्हें तो पता है माँ को ही मैच मेकिंग वगैरह कितनी पसंद है। ओके सी। मेरी अम्मी अल्लाह मियाँ के पास चली गई और वो घड़ी उनकी आखिरी निशानी थी। मतलब तुमने गाड़ी मार दी, वो भी पाशा साहब की गाड़ी में? मैंने थोड़ी मारी है, उनकी गाड़ी खुद ही सामने आ गई थी। अरे मुझे तुम्हें पानी पिला दे, सांस ही नहीं आ रही। क्या हुआ है बाबू? अरे आपू जान ऐसा लग रहा था कि मौत की कुएं की सैर कर रही हूँ, उड़न के टोले में। अरे शुक्र करें आप नहीं गई, मत मारी गई थी। गाड़ी भगा भगा के पशर कर दिया गाड़ी का। भाग क्यों रहे थे? क्या कुत्ते पीछे पड़ गए थे? बाबू जान आप छोड़े इन सब बातों को, बस दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे पाई साहब के कहर से बचा ले। ये मत भूलो भतीजी, उनको अपनी गाड़ी तुमसे ज्यादा अजीज है। पाशा साहब आप आ गए? नहीं मैं दफ्तर खड़ा हूँ भाई, आ गया हूँ तो नजर आ रहा हूँ ना। वो जल्दी आ गया ना इसलिए कह रही थी। ये जो मेहमान आया उनको बोलो अपनी गाड़ी हटाएं यहाँ से। मेहमान तो कोई नहीं है। हैं? तो फिर ये गाड़ी किसकी है? वो पता नहीं, पड़ोसियों में से किसी ने खड़ी कर दी होगी। पाशा साहब अजीब लोग हैं, पड़ोसियों में से खड़ी कर दी होगी।
अरे बुलाओ किसी को। पार्षद साहब, मैं समीर को भेजती हूँ ना, वो पता करेगा है? अभी भेज रही हूँ। कमाल है, कोई गाड़ी खड़ी करके चला गया। वो कार इज दिस? ये गाड़ी को क्या हुआ है? गाड़ी को क्या हुआ है? अरे गाड़ी को छोड़ो, ये देखो कि ये किसकी गाड़ी है। यू गो एंड सर्च। मैं एक काम कर लूं, तुम्हें मैं देख लूंगा। देख लूंगा? अरे किसकी गाड़ी है भाई, आ जाओ। ये तो दोपहर तक सोए रहते हैं भाई, कहाँ हो? अरे भाई किसकी गाड़ी है? हेलो। अल्लाह जी क्या हो गया आज? तो पाज साहब कुचल कुचल कर कुचला ही बना देंगे। नहीं, आप कुछ सोचे ना, क्या करें? अरे मैं क्या सोचूं, तुम लोग भी तो हिमाकतें हिमाकतें किए जा रहे हो। ये तुम लोग क्या किए जा रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आगू जान बेहतर है आपकी समझ में ना ही आए। तुम ऊपर जाओ बाबा, अभी देख ले तो पहले। हाँ मैं जा रही हूँ। आपको याद है ना, आपने पाज साहब को मेरा बिल्कुल नहीं बताना है। जल्दी जाओ। अल्लाह खैर, क्या टूटा? आपकी जमीन वाला लैंप क्या? आप बैठे ना, मैं चाय लाई। बैठे बैठे। अस्सलाम वालेकुम आबू जान। वालेकुम अस्सलाम। चीनी कितनी है पाशा साहब? नहीं, चाय रहने दो। कमाल है, आजकल तो लोगों को पता नहीं क्या हो गया, अखलाकियात, लिहाज, शर्म सब कुछ खत्म हो गया। एक तो मेरी यार, एक तो बात के बीच में आ जाते, गाड़ी बर्बाद कर दी मेरी, और कोई रुका तक नहीं। हो सकता है गलती से लग गई हो। बहुत अच्छी, तुम थे गाड़ी में? अरे गलती होती तो रुकना चाहिए था ना। बिल्कुल, इसी से तो खानदान का पता चलता है। लो जी, एक इंसान की गलती से पूरे खानदान को क्यों जज करें? खानदान तो अच्छा ही होगा ना। तुम तो चुप रहो, तुम लोग उम्मीद की बात तो नहीं कर रहे? कुजान, उम्मीद बीच में कहां से आ गई? हाँ वो कहां से आई, वो तो आई नहीं है, खामखा सारे उसके पीछे पड़ जाते। आगो जान, मैं अपनी गाड़ी की बात कर रहा हूँ, आप उम्मीद की बात कर रही है। उसके फादर उसको घर में रखने के लिए तैयार ही नहीं है, और इतनी मुश्किल से वो वहां रह रही, और एक आपने भी बस। हेलो उम्मीद, फरजाद बात कर रहा हूँ। मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूँ, आपसे मिलने आया हूँ, आप नीचे आ सकते हैं? क्या क्या हुआ उम्मीद, आप इस वक्त मेरे घर पे क्यों आ गए? कयामत आ गई है। मेरी बात सुने, हिलिएगा मत बिल्कुल, मैं आ रही हूँ गेट खोलने के, और जैसे मैं दरवाजा खोलूँ फौरन भाग कर अंदर आ जाएगा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप आए। सुनो समीर जी, यू डू समथिंग लाइक। पाशा साहब उर्दू में कहते, सब देख रहे हैं। देखो अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसी हरकत हो ना, तो तुमने तमीज से बात करनी है। अगर कुछ देना दिलाना भी हो तो दे दिला के खत्म करो काम को। ये पाकिस्तान है, कोई कनाडा नहीं है। हाँ, या आई अंडरस्टैंड नाउ। ओके गुड गुड। अच्छा आप फिक्र नहीं करें, आपके लिए कुछ लाऊं मैं? नहीं है, देखो ना तुम क्यों हमारी आदतें खराब कर रही हो, कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी तो हमें कौन पूछेगा। और हाँ, वो आप सब जो खवातीन हैं, वो वलीद की माँ से बात करें, शादी की तैयारियां करें, वलीद ने भी तो आना है जी। जब आप सब उदास हैं तो मुझे क्यों रुख्सत कर रहे हैं? अच्छा बच्चा, चाय आपके लिए ले आया ना, मैंने मना किया ना चाय का। चाय ले आओ, चाय ले आओ।
बिल्कुल आवाज नहीं। क्या कर क्या रही हो, यहाँ क्यों बैठी है? पहले मुझे ये बनाए, ऑफिस और घर में डांटते थके नहीं थे जो यहाँ पर भी मुझे डांटने आ गए आप? नहीं, मैं आपको डांटने नहीं आया, मैं आपके लिए घड़ी लेकर आया हूँ। क्या अम्मी की घड़ी मिल गई? नहीं वो तो नहीं मिली, मैंने होटल कॉल करके कोशिश भी की थी लेकिन वहाँ नहीं मिली, तो आई एम सॉरी बट ये नहीं लाया हूँ आपके लिए। नई घड़ी ना मैं खुद भी खरीद सकती हूँ, मुझे मेरी अम्मी वाली घड़ी चाहिए। और आपने मुझे अपने घर से तो निकाल दिया था, आप चाहते पांच साहब मुझे यहाँ से भी निकाल दे, और ये पकड़ ये घड़ी देने के लिए आया आप और अंदर क्यों आया आप? मैं कबूतर आया हूँ, आप मुझे खुद देख रही है, मैं तो बाहर से आपको घड़ी देकर जाने वाला था। चीप सिचुएशन में फंसा दिया मुझे, आपको पता है पाशा साहब मेरे अब्बू का गुस्सा इतना तेज है ना आप सोच भी नहीं सकते, आपसे 200-300 गुना ज्यादा ही होगा। आप तो बिना वजह के तुरम खान बनते ना, वो असल में तुरम खान है। अगर आपके वालिद साहब का गुस्सा तेज है तो हम यहाँ पे क्यों छुप कर बैठे हैं? क्योंकि पाशा साहब को नहीं पता कि मैं इस घर में रह रही हूँ, इसलिए हम यहाँ छुप रहे हैं। What? यानी आप अपने ही घर में छुप कर रह रही हैं? हाँ, आपकी वजह से, क्योंकि आपने मुझे अपने घर से निकाल दिया था, इसलिए मुझे यहाँ छुप कर रहना पड़ा। वाह, मुझे लगा आप सिर्फ मुझसे झूठ बोलती हैं, झूठ बोलना तो आपकी हॉबी है। हनी पंडित, देखिए पहली बात तो ये आप मुझे ये झूठा झूठा कहना बंद करें, उस वक्त मैं मजबूर थी, और अगर अब आपने मुझे झूठा बोला ना तो मैं आपको और खुद को दोनों को पकड़वा दूंगी, फिर पांच साहब आपको बताएंगे और आपको पता चलेगा कि मैं कितनी मजबूर हूं। एक मिनट, तो पहली बात है कि झूठ बोलना किसी भी हालत में अनएक्सेप्टेबल है, और ये ब्लैकमेल करना तो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। मैं बेवकूफ था, पता नहीं क्या लेने आ गया यहाँ पे, सोचा आप हर्ट हैं आपको जाके खड़ी दे देते हैं, अच्छा खासा घर जा रहा था। आपको कब से मेरे हर्ट होने की फिक्र होना शुरू हो गई? नहीं वो मैं तो देखिए मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे मीटिंग पे जाना है, मुझे यहाँ से निकालें प्लीज जल्दी। मैं आपको यहाँ से निकालूं? अच्छा मजाक है, मैं तो खुद यहाँ फंस गई हूँ, अपनी मदद आप, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, अब आप खुद यहाँ से निकले। वैसे जब मैं पहली दफा आपसे मिली थी ना तो मैं यहाँ से फलांग कर बाहर गई थी, आप यहाँ से कूद कर बाहर जा सकते हैं, एक शॉर्टकट है। मैं स्टॉप लगा। हाँ भाई वो राइट साइड का फेंडर है, मैं तुम्हें बताया था ना, कोशिश करो कि वो राइट एंट्री चलाए, अगर पेन हुआ तो तुम मुझे बता देना कितना खर्चा है, ठीक है? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आओ। मैं किचन से होके आती हूँ। अरे छोड़ो किचन को, इधर आओ, जल्दी आओ, आओ जल्दी आओ। सलाम। वालेकुम सलाम। दरअसल हमारी हया ना बहुत ही सुगढ़ है, हर वक्त किचन में रहना पसंद करती है, क्या खाने बनाती है, आपके तो मजे आने वाले। लेकिन हम सब लोग ना हया को बहुत मिस करेंगे, और मैं तो हया के बगैर रह ही नहीं सकती, पता नहीं मैं कैसे रहूंगी। अब इतना दूर भी नहीं है हमारा घर, आप जब चाहे हया से मिलने आ सकती हैं। सच्ची? फिर तो आप मेरे वहां एक कमरा ही बनवा लें। फिर तो क्यों नहीं, आपकी ये कजिन तो कुछ बोलती नहीं, इसी बहाने आपकी कंपनी मिल जाएगी। अरे नहीं, बहुत बोलती है, अभी जरा ना इंप्रेशन जमा रही है आपके सामने। अच्छा तो ये बात है। नहीं, मैं चाय लेकर आती हूँ। मैं चाय पीकर आया, हाँ खाना जरूर खा के जाऊंगा। अरे वाह, बिरयानी बनी है घर पे, और है क्या आपकी बिरयानी खा ली ना आपने तो याद करेंगे। वाह, अब तो लगता है जरूर खानी पड़ेगी।
मैं लेके आती हूं। नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। दरअसल एक जगह खाने पर जाना है, बिरयानी फिर कभी सही। मैं तो आपके नाप का जोड़ा लेने आया था, वो अम्मा ने मंगवाया था। अरे वाह, कैसा जोड़ा बनवा रहे हैं आप लोग हया के लिए? ये तो भाई अब अम्मा ही बता सकती हैं। हाँ वो आपकी कोई खास फरमाइश हो तो आप बेशक मुझे बता दें। नहीं नहीं मैं बस नाप लेके आ चुकी हूँ। अरे छोड़े इसको, मैं आपको इसकी पसंद बताती हूँ। इसको ना पिंक कलर बहुत पसंद है और पिंक कलर इसमें बहुत सूट करता है, लेकिन हैवी दुपट्टा होना चाहिए और काम जो है ना वो हेलो फरजाद भाई, ये कमरे में दो पिंक कलर्स मिल रहा था। क्यों, क्या हुआ, आर यू ओके? हाँ सर में बहुत दर्द हो रहा है। वैसे तो कभी आपका आउट ऑफ नोवेयर से सर में दर्द नहीं हुआ है? क्योंकि वैसे तो आउट ऑफ नोवेयर आपकी दोस्त मेरी जिंदगी में नहीं थी। तो ये बोले ना कि आप उम्मीद को मिस करें। कोई नहीं है, मैं देख कर आई हूँ। क्या है उम्मीद? तुम्हें माकूल से कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। तो फिर उसे ढंग से बात क्यों नहीं करती हो? यार उम्मीद मैं सोने जा रही हूँ। वैसे वो इतना भी बुरा नहीं है, तुम ऐवे ही उसे लिफ्ट नहीं करा रही हो। उम्मीद अपना ये माकूल अमा बंद करो, मुझे प्लीज सोने दो। वैसे देख रही हूँ जब से तुम्हारी शादी की डेट फिक्स हुई ना, बहुत नखरे आ गए तुम्हें। अब अकेले कहाँ जा रही हो, मुझे तो लेके जाओ। चल तू जलाल तू है बोला तू डाल तू जल तू चला तू है बोला तू डाल तू अब क्या हुआ है वो अब खामों में भी आकर मुझे डराने लगा है कौन वही अलाकू खान का जानशीन वो हल्ला उम्मीद तुम इतना सोचती हो ना इस फरजाद के बारे में इससे बेहतर है तुम उस असदुल्ला खान के बारे में सोच लो वो काफी माकूल ऑप्शन है नहीं उस नकली गालिब का नाम भी मत ले और मैं कोई नहीं सोच रही उसके बारे में वो खुद पहुंच जाता है मुझे हर जगह डराने तो अच्छा है तुम आयतुल कुर्सी पढ़ो और सो जाओ चलो हाँ ये भी ठीक है। मीमी, मैंने तुम्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया, जरा चेक तो करो। व्हाट्सएप ग्रुप? किस चीज का व्हाट्सएप ग्रुप? मैं एक चीज प्लान कर रही हूँ, फरजाद की बर्थडे पार्टी। रियली? लेकिन आई डोंट थिंक फरजाद भाई मानेंगे। आई नो, इसलिए तो सरप्राइज पार्टी रखी है और तुम्हारी उस फ्रेंड को भी इनवाइट किया है। उम्मीद? वाओ, फिर तो बहुत मजा आएगा। मजा तो बहुत आएगा जब उम्मीद, महक, रीना और फरवा सब वहां मौजूद होंगी एक साथ। सब? सबको क्यों बुला रही हैं? मीमी ये देखना है ना कि फरजाद की सबसे ज्यादा कंपैटिबिलिटी किसके साथ है, फिर उसी लड़की पे मैं मेहनत करूंगी, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया है ईयर के एंड तक फरजाद की शादी होके रहेगी। दैट्स अ मिशन इम्पॉसिबल मां। आई विल मेक दिस पॉसिबल। फरजाद की शादी जरूर होगी, बस तुम तैयारी पकड़ो।
तैयारियां तो भाई की शादी की मैं पिछले 5 साल से कर रही हूँ। जो चीजें भी खरीदी थी वो सब ओल्ड फैशन हो गई हैं। अब आप मुझे तभी बोलिएगा तैयारियां करने का जब एक्चुअली लड़की कंफर्म हो जाए। इसके लिए पार्टी कर रही हूँ। बातें लबों पे है आके जो ठहरी हुई, कहना जो चाहूं बोल ना पाऊं, लफ्जों में लिपटी हुई जो कहानी मेरी, तेरे ही लिए है तुझको सुनाऊं, थम गए तुझ पे आके कदम, हो खाम खाम यूं ही हंसते हैं हम करके दिन तेरे हवाले, करके दिन तेरे हवाले, साहब आपने देखा ये गाड़ी किसने मारी है? जी जी, वो एक अनाड़ी लड़की थी और कुछ फैमिली के लोग भी थे उसके साथ। मुझे ये बताएं कि आपने कुछ नंबर ऊपर नोट किया कि नहीं? AX-44 नहीं, AX-45। मुझे तो यही वही गाड़ी लग रही है। किसकी गाड़ी हो सकती है? हिलाल पाशा से पूछता हूँ।